and press the bell icon. Hello guys, you are watching Screen Spot. इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा 5 डेंजरस ऐप्स के बारे में. सबसे पहले में आता है डॉल्फिन ब्राउज़र. दोस्तों, ये आपके डाटा को ट्रैक कर रही है. इसके अलावा इनकॉग्निटी टैब, जिसमें आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री बुकमार्क सेव नहीं हो रही, ये उन्हें भी आपके फाइल मैनेजर में ही सेव कर लेती है. ये एकदम फालतू ऐप है. इस ऐप को आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल ही कर लीजिए. सबसे सेकंड में आता है DU बैटरी सेवर. दोस्तों, ये ऐप आपको वादा करती है फ़ोन की बैटरी बचाने की. बचाना तो दूर, आपकी बैटरी और खाती है. बहुत सारी नोटिफिकेशन भेजती रहती है, अट्रैक्टिव एनिमेशन आपकी लॉक स्क्रीन में लगा देती है और दिखाती है कि वो आपकी बैटरी को बचा रहा है. बचाना तो दूर, खाती है बैटरी को. तो ये ऐप एकदम फालतू है. इसको भी आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए. तीसरे नंबर में आता है UC ब्राउज़र. ये यूज़र की सर्च हिस्ट्री, उसे ये बिना इंक्रिप्शन के याहू इंडिया गूगल को भेज देता है. उसके अलावा यूज़र के MSI नंबर, IMEI नंबर, एंड्रॉयड ID, मैक एड्रेस को बिना इंक्रिप्शन के अलीबाबा एनालिटिक टूल को भेज रहा है और यूज़र के लोकेशन को अलीबाबा मैपिंग टूल को भेज देता है. ये सब कुछ है गूगल में, चेक कर लीजिए आप. ये आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है, पर यह बात भी सच है कि ये फास्ट डाउनलोड की सुविधा देता है. अब फोर्थ पोजीशन में आता है क्विक पिक. ये एकदम गैलरी जैसा ही है. इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गैलरी की पिक्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. इसमें आप हाइड भी कर सकते हैं फ़ोटोस, वीडियोस. पर 2015 में इसे चीता मोबाइल ने ख़रीद लिया था. तुरंत उन यूज़र का डाटा अपने सर्वर में अपलोड करने शुरू कर दिया. इसका एविडेंस गूगल के एक यूज़र ने भी दिया है. सबसे लास्ट में है क्लीन मास्टर. क्लीन मास्टर तो आपके फ़ोन में ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो अच्छी बात है. क्लीन मास्टर ये वादा करती है कि आपकी फ़ोन को क्लीन कर देगी और आपके फ़ोन को बूस्ट कर देगी. पर असल में ये कुछ करती ही नहीं है. इसमें अजीब अजीब नोटिफिकेशन, जिन्हें डिसेबल भी नहीं कर सकते, और बार बार किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में भेज देती है. ये सब करके आपके फ़ोन को स्लो और बैटरी को गर्म करके आपको परेशान भी करके रखती है. और मैं मेन बात तो बोलना भूल ही गया कि ये चीता मोबाइल की है. याद है ना चीता मोबाइल? ये आपको बहुत, मतलब ये कुछ करती ही नहीं है. एंटीवायरस ना कुछ है ही नहीं, बल्कि ये आपके एंड्रॉयड में पहले से आपके पास ऑप्शन रहता है जंक फाइल्स हटाने का. एंटीवायरस आपके एंड्रॉयड में पहले से ही लगा रहता है.